गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू शेयर पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम पेट्रोलियम एंड रिफाइनिंग, जो पेट्रोलियम मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दी है, तो पेट्रोलियम मैंने आपको समझा दिया था। अब उसकी रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कौन से कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हम रिफाइन करके अलग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सो पेट्रोलियम इज डार्क लार ऑयली लिक्विड, इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑडर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, पैराफिन वैक्स इत्यादि। हम जानते हैं पेट्रोलियम के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, आपको कुछ फॉर्म्स यहाँ पे डिस्कस भी किए गए हैं, गैस, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल्स। आपको यहाँ बताया गया है कि ये सब क्या है, जब हम पेट्रोल का एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये सब चीजें भी मिलती है। सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्सेंट्रेटेड फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। सारे पार्ट्स में से पेट्रोल को अलग करना, पेट्रोल की रिफाइनिंग करना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है आपकी, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। सो वेरियस कॉन्सेंट्रेट ऑफ पेट्रोलियम एंड वेरियस यूजेस आर गिवन इन द टेबल। कुछ यहाँ पे पेट्रोल के टाइप दिए हुए हैं, कौन से कॉन्सेंट्रेट हमें पेट्रोल की रिफाइनिंग में मिलते हैं, उसके क्या क्या यूजेस हुए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए। तो बच्चों, ये आप लोगों को नोट करना है आपके नोटबुक में। नाउ आई एम मूविंग फॉर द लास्ट टॉपिक, नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। नेचुरल गैसेस जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये हमें कहा, इसे हम कहां से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कहां सप्लाई कर सकते हैं, इसको पाइप के थ्रू से हम सप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल गैसेस इज अंडर हाई प्रेशर एज कम्पेयर एज कम्प्रेस नेचुरल गैसेस। जब हम उसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं तो हमें नेचुरल गैसेस मिलती है, जैसे सीएनजी। सीएनजी इज यूज एज पावर जनरेशन, इट इज हैज बीन यूज एज अ फ्यूल टू फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। व्हीकल्स को रन करने के लिए हम इसका सीएनजी का यूज करते हैं। इट इज लेस वॉल्यूमिक, इट इज अ क्लीनर फ्यूल। ये जो हमारे एटमोसफियर को कम पॉल्यूट करता है और ये क्या है, क्लीनर फ्यूल। ठीक है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड टू पाइप्स। ये हम इसका डायरेक्टली इसको बर्न कर सकते हैं, जो हम यूज कर रहे हैं आपका ऐसा होम्स और फैक्ट्रीज में, वेर इट कैन बी सप्लाइड टू पाइप्स सच एज नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन बड़ोदरा, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर पार्ट ऑफ प्लेसेस। कुछ इसका जो पाइपलाइन सप्लाई जो है वो कहां कहां हमने देखा गया है, दिल्ली में, बड़ौदा में इसकी पाइप लगा दी गई है। नेचुरल गैसेज इज ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे नेचुरल गैसेज जो है वो इसलिए बनाए गए हैं कि उससे हम दूसरे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमारे यहाँ नेचुरल गैसेज कहाँ कहाँ हमें मिलती है, राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी हमें नेचुरल गैसेस मिलती है। सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हम जानते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं हमारे आसपास पे जो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सॉसिबल लाइक फॉसिल फ्यूल लाइक फॉरेस्ट मिनरल्स इन सी। यू मे नो दैट द कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, हमें पता है कि कोल और पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल है। इट रिक्वायर्स डेड ऑफ द मिलियंस ऑफ ईयर्स गेट कन्वर्टेड इन टू दिस फ्यूल्स। हम जानते हैं कोल और पेट्रोलियम को बनाने के लिए सालों साल जरूरत होती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नोन रिवर्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड इयर्स, मोर ओवर द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर हम पॉल्यूटिंग इनको अगर हम जलाते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें बहुत सारा पॉल्यूशन जो है हमारे हाथ पे दिखता है, हमारा एयर के साथ बहुत सारा क्या हो जाता है, पॉल्यूशन जमा हो जाता है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल बाय डायरेक्टली देयर लिप्स आर। हमारा इंडिया में जो पीसीआरए है उन लोगों ने बताया कि लोगों को कैसे अवेयर करना है पेट्रोल बचाने के लिए और डीजल बचाने के लिए, उनके कुछ टिप्स हैं। ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड अ मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, आप एक तरीके की स्पीड से जाएं जहां पे भी जा रहे हैं। स्विच ऑफ द इंजन एंड ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, ऐसी जगह पे जहां पे आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा।
बच्चों मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, आप चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर सभी आपको बीच में से भी आ सकते हैं और वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. सो यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स क्लियरली एंड आप लोग अच्छे से इसका रिवाइज करें, एक बार चैप्टर खुद से पढ़े, ठीक है? जहां लग रहा है वहां पे